स्क्रीन सर हेलो सर दीपक सर तो मैं डेवलपर कंसोल पर काम कर रहा हूँ लेकिन आपको वीएस कोड पर काम करना है ना मैंने अभी बी कोड लिंक नहीं करा इसलिए ओके तो अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिगर लेकिन उसके पहले कुछ अपन एक बार देखते हैं जो अपन चीजें ट्रिगर में यूज आएगी लिस्ट सेट एंड मैप तो पहले अभी तक कुछ आइडिया आपको ये चीजें क्या होती है लिस्ट क्या होता है सेट क्या होता है मैप क्या होते हैं मेरी आवाज आ रही है हेलो यस सर हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि आइडिया है मैप लिस्ट सेट क्या होते हैं कुछ पता है यस yes, सर क्या होता है बताओ आर तो द ये अपने अपने होते हैं हैं जिसमें अपन अपने डेटा को स्टोर करके रखते ठीक है जैसे हमको कुछ डेटा चाहिए बार -बार हम हम बार -बार मतलब बार बार डेटा गेट ना करना पड़े इसलिए हम क्या करते हैं तो फिर कलेक्शन के ऊपर हम सारा काम करते हैं हमारा इन कलेक्शन को हम कहीं भी पास कर सकते हैं कलेक्शन से कहीं भी डेटा को वापस गेट कर सकते हैं ओके okay. तो पहले अपन स्टार्टिंग में कलेक्शन के बारे में देखते हैं कि के ऊपर कैसे काम होता है देन उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिगर के ऊपर ओके okay. तो मैं मैं पे स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं लेता हूं सेट सेट जो होता है आपका कलेक्शन होता है कि ये यूनिक कलेक्शन होता है मतलब अगर आपने इसमें एक बार वैल्यू डाल दी और सेम वैल्यू को आप दोबारा डालोगे तो जो दूसरी बार आपने वैल्यू डाली वो आपकी ओवरराइड हो जाएगी पहले वाली वैल्यू से मतलब एक यूनिक की सेट होता है सेट का ठीक है इसका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हो सकता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हो सकता है यूजर डिफाइन डेटा टाइप भी हो सकता है डेटा टाइप क्या होता है इन द सेंस जैसे फॉर मान लो कि मैंने लिख दिया यहां पे स्ट्रिंग ठीक है string, तो मैंने एक सेट बनाया सेट ऑफ स्ट्रिंग ठीक है इसका मैं एक नेम देता हूं सेट ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू न्यू सेट ऑफ स्ट्रिंग ठीक है तो मैंने एक सेट बनाया जिसका डेटा टाइप मेरा स्ट्रिंग है उसको मैंने नाम दिया सेट ऑफ स्ट्रिंग और उसको मैंने एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर लिया ठीक है न्यू सेट ऑफ स्ट्रिंग मैं यहां पे क्या कर रहा हूं इसमें कुछ वैल्यू को पुट अप करता हूं अपन देखते हैं फिर इसका रिजल्ट क्या मिलता है सेट ऑफ स्ट्रिंग डॉट ऐड ए B, C, D. तो मैंने सेट ऑप स्टिंग में क्या करा है एड रहे हैं मतलब पुश करते हैं ना अपन जैसे कि मैंने कोई भी चीज डाली तो पुश करते हैं तो एक तरीके से यहाँ पे एड करते हैं मैंने एड करा है ए बी सी डी चार वैल्यूज मैंने इसमें एड करी है तो मेरे तो सेट में चार वैल्यू एड हो चुकी है मैं उसको एक बार प्रिंट करवा के देखता हूँ सिस्टम डॉट डीबग सेट ऑफ स्ट्रिंग को मैंने प्रिंट कराया ताकि मेरे को पता चले जो मैंने वैल्यूज ऐड करी वो ऐड हुई है या नहीं हुई इसको मैंने सेलेक्ट करा यहाँ पे चेकबॉक्स को चेक करा ओपन लोगो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मेरे लोग ओपन हुआ है डीबग ओनली पे मैंने फिल्टर लगाया है तो देखो इसमें कितनी वैल्यू प्रिंट हुई है चार वैल्यू प्रिंट हुई है ठीक है तो मैंने चार वैल्यू यहाँ पे एड करी थी मेरी चार वैल्यू प्रिंट हो गई अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जैसे मैंने ए बी सी डी डाला मैं ए को दोबारा डाल देता हूँ ठीक है यहाँ पे मैंने ए दोबारा डाल दिया तो ए बी सी डी और फिर अगेन ए एक्चुअली मैंने वैल्यू तो कितनी एड करी है पांच लेकिन मैंने आपको एक चीज और बोलती सेट जो होता है वो आपका यूनिक होता है अगर आपने सेकंड टाइम सेम वैल्यू डाल दी तो उसको ओवर कर जाएगा ठीक है तो मेरी वैल्यू यहाँ पे पांच है देखते हैं प्रिंट कितनी होती है ठीक है कितनी प्रिंट हुई चार प्रिंट हुई तो सेट का फंक्शन आपको समझ में आया यस सर बाकी टीम की आवाज नहीं आ रही बाकी को समझ में आया नहीं आया एरर ठीक है चलो जैसे मैंने सेट ऑफ स्ट्रिंग लिया इससे आप यहाँ पे कुछ भी डेटा टाइप ले सकते हो सेट ऑफ अकाउंट सेट ऑफ स्ट्रिंग सेट ऑफ इंटीजर सेट ऑफ डेसिमल जो भी आपके जो जिस टाइप के प्रिमेटिव होते हैं या फिर कुछ यूजर डिफाइन अगर अपने प्रिमेटिव बना रखे हैं तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो ठीक है जैसे अगर मैंने इंटीजर ले लिया और मैं एक जगह इंटीजर एड करता हूँ वन एड करा थ्री फोर और अगेन यहाँ पे वन ऐड कर दिया मैंने ठीक है तो एक वैल्यू रिपीटेटिव है बाकी चार यूनिक है तो चार यूनिक वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी वन टू थ्री फोर ओके ठीक है तो ये अपना सेट था अब उसके बाद अपन देखते हैं आगे अपना लिस्ट क्या होता है यह आपका लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है ठीक है आपका जो लिस्ट होता है लिस्ट एक्चुअली क्या होता है आपका यूनिक नहीं होता है। आप उसमें जितने वैल्यू डालोगे उतनी वैल्यू को वो लेके रखता है ठीक है अगर मैंने यहाँ पे ए बी सी डी चार ही डाल दी और अगर मैंने एक वैल्यू रिपीटेटिव वैल्यू डाल दी तो ये रिपीटेटिव वैल्यू को भी आपके लेके रखेगा ठीक है तो देखते हैं इसका क्या प्रिंट होता है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मैंने पांच वैल्यू एड करिए और इसका आउटपुट हमारे को क्या मिलता है ए बी सी डी देन अगेन ए जो मैंने रिपीटेटिव वैल्यू डाली थी वो यहाँ पे आ गई तो डिफरेंस समझ में आया yes, हो गया क्लियर की सेट आपका यूनिक आइडेंटिफायर होता है यूनिक वैल्यूज को कंटेन करता है यूनिक की को कंटेन करता है वो आपकी लेकिन एक्चुअली क्या होता है लिस्ट में ऐसा नहीं होता यूनिकनेस नहीं होती लिस्ट के अंदर लेकिन लिस्ट आपकी हर चीज को मेंटेन रखता है जो भी आपस में एड करते जाओगे और लिस्ट के जो डेटा टाइप होते हैं वो भी आपके प्रीमिटिव होते हैं प्रीमिटिव इन द सेंस कि जैसे लिस्ट स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई और जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग डालते हैं मतलब ए सब्जेक्ट भी आप लिस्ट में ले सकते हो यूजर डिफाइन भी आप लिस्ट में ले सकते हो ठीक है लिस्ट को आप शोर्ट भी कर सकते हो ठीक है मैंने शोर्ट यहाँ पे लगा दिया तो एक ए महीने बाद में एड करा था वो एप देखो कैसे आता है देखा मैंने इस सेकंड वाले एक को लास्ट मेट करता लेकिन ऑटोमेटिकली सोर्ट होके कहां पे आ गया सेकंड पे आ गया क्लियर है यस ठीक है तो ये आपका लिस्ट और सेट था ठीक है एक बार यूज कैसे करते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ ना जैसे मैंने अभी स्ट्रिंग लिया था इंटीजर के लिए मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको एस ऑब्जेक्ट के लिए भी बता देता हूँ पहले तो मैं देखता हूँ क्योरी मार के मेरे पास टोटल कितने अकाउंट है मैंने यहाँ पे क्योरी लगाई सिलेक्ट आईडी डी अकाउंट तो टोटल अकाउंट मेरे पास कितने हैं थर्टी ओके मैं आता हूं इस पे यहाँ पे मैंने अकाउंट लिया उंट कलेक्ट आई डी नेम फ्रॉम अकाउंट ओके अब मैंने क्या करा एक लिस्ट ऑफ अकाउंट बनाई है लिस्ट ऑफ अकाउंट बना के मैंने एक एसोक्यूल क्यूरी लगा दी इसके अंदर तो इस एसोक्यूल क्यूरी का जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका लिस्ट ऑफ अकाउंट में स्टोर हो जाएगा देन लिस्ट ऑफ अकाउंट को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ ठीक है मैं दो चीज प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे एक तो इसका साइज प्रिंट कराता हूं और एक इसकी वैल्यू प्रिंट करवाता हूं मैंने यहाँ पर साइज लगाया नहीं एक बार साइज लगा दो दिखा आपको तो साइज कितना आया थर्टी और वैल्यूज मैंने दो कॉलम क्योरी कर देता है आईडी डी कराता है नेम क्योरी कराता कर है तो एक अकाउंट के आईडी नेम ये है फिर आईडी नेम ये है ऐसे बार बार करके 30 रिकॉर्ड में लिस्ट में आके स्टोर हो गए ठीक है yes, तो क्लियर है अपना सेट और लिस्ट दोनों क्लियर है ठीक yes, है अपना मैप देखते हैं अच्छा आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे मैं आपको बताता हूं छोटा सा आइडिया ये अपने यूज केसेस पर डिपेंड होता है ये अपने क्या लिखना चाहते हैं ना स्ट्रिंग डाल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पर मैंने डबल है. डबल भी डाल दिया मैंने दो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिए तीसरा मैंने बनाया एक लिस्ट जो क्या कंटेन करेगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को कंटेन करेगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है मतलब एक लिस्ट है जिसका डेटा टाइप लिया है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मतलब लिस्ट लिस्ट को ही कंटेन करता है तो इससे क्या होगा कि ये वाली लिस्ट और ये वाली लिस्ट दोनों लिस्ट अपन किस में ऐड कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे तो जैसे जैसे आपके पास बिजनेस यूज केसेस आते हैं कि आपको कैसे उस चीज को इंप्लीमेंट करना था वहां पर आप इन चीजों को यूज कर सकते हो एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ये डाल दिया टू था तो इसको भी टू कर दिया इसको भी टू कर दिया ठीक है तो दोनों लिस्ट वन और टू मैंने इसमें ऐड कर दी और इसको मैंने प्रिंट करवा लिया फू स्ट्रिंग में लिख दिया क्या देखा आपको एक लिस्ट थी तो एक में वैल्यू ए और बी थी एक में डबल ए डबल बी थी क्लियर है yes. तो ये क्लियर हो गया ना आपको कि डेटा टाइम अपने कैसे लेना है अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो अपने को चाहिए वो अपन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ओके okay? लास्ट में आपका मैप बच रहा है ना एक मैप और देख लेते हैं मैप में आपके दो चीज होती है एक होता है की एक होता है वैल्यू ठीक है फिलहाल के लिए मैं ले रहा हूं की में भी स्ट्रिंग और वैल्यू में भी स्ट्रिंग ठीक है जैसे लिस्ट में और सेट में अपन ऐड करते हैं उसी तरीके से मैप में अपन पुट करते हैं क्या करते हैं पुट ठीक है पुट करने के लिए आपको यहाँ पे दो पैरामीटर है एक तो आपका जो होता है की होता है एक आपका जो होता है वो वैल्यू होता है ठीक है तो मैंने की में डाला ए और वैल्यू मैंने डाल दिया एप्पल बी बोल बी उसकी की वैल्यू है बोल उसकी वैल्यू है राइट ओके सी और मैं यहाँ पे मैप को प्रिंट करता हूं विजिबल स्क्रीन ठीक है अब मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बोली है क्या बोला है मैंने कि ये आपकी की वैल्यू है ये आपकी वैल्यू है तो जो की होती है वो आपकी सेट काम करती है क्या काम करती है सेट से जो वैल्यू होती है वो सेट और लिस्ट दोनों काम करती है ठीक है अगर मैंने ये बोला है कि ये सेट काम करती है तो सेट का मतलब है कि अगर आप डुप्लीकेट डालोगे तो वो ओवरराइड करेगा समझ रहे हो बात को जैसे मैंने C4 फॉर के लिया और मैं एक वैल्यू रिपीटेटिव कर रहा हूँ मैंने A4 फोर अमेरिका ले लिया क्या ले लिया अमेरिका ओके okay. अब यहाँ पे क्या होगा कि ए बी से तीन वैल्यू यूनिक थी जब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी जैसे ही मैंने की वैल्यू की पेयर जो है ये रिपीटेटिव हो गया क्योंकि ये एज सेट काम करता है इसका जो की पेयर होता है ठीक है अब मैंने एक को वापस डाला तो अब यहाँ पे क्या होगा ए फॉर एप्पल दिख के क्या दिखेगा ए फॉर अमेरिका दिखेगा स्क्रीन मेरी क्लियर yes, तो, हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे yes, कौन कौन-कौन आए टीम में? महेंद्र तीन जने ही हैं। हेलो बाकी टीम की आवाज नहीं आ रही मेरे को मैं अगर कुछ पूछ रहा हूं तो आप रेस्पॉन्स दिया करो मेरे को ताकि मेरे को आइडिया कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ओके okay? ठीक है ना तो क्लियर हुआ मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ की सेट मेरे लिए क्या होता है मैप के अंदर सुन जाए ठीक है ना और वैल्यूज क्या होती है ठीक है अगर यहाँ पे मैं देखू मैप ऑफ स्ट्रिंग डॉट की सेट डॉट की सेट अगर मैं देखते दे, हैं मेप ऑफ स्ट्रिंग डॉट की सेट तो क्या होगा कि ओनली की सेट में गेट करूंगा क्या गेट करूंगा ओनली की सेट अब देखते हैं अपन की सेट में क्या प्रिंट होता है ए बीसी ओनली मतलब मेप में से मैंने ओनली की सेट को प्रिंट करा है ठीक है ये सब की वर्ड है जो आपको काम आएंगे आगे टीगर के अंदर होता है वैल्यूज क्या होती है अब इसी तरीके से अगर मैं वेल्यूज को प्रिंट करूंगा एक डिब्बा गोल लगा लेता हूं मैं वेल्यूज ठीक है एक में की सेट प्रिंट होगा एक में वैल्यूज प्रिंट होगी एक में किस सेट आ गया एबीसी एक में वैल्यूज आ गई अमेरिका बोल किट ओके अब अच्छा जब भी अपन मैप को यूज करते हैं अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना कि जब भी अपन मैप को यूज करते हैं तो हमेशा अपन कंटेंट्स की चेक करते हैं रीजन क्या है उसका मैं आपको बताता हूँ ठीक है जैसे मैंने लिखा मेप ऑफ स्ट्रिंग सेट फिलहाल के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ मेरे को मान लो मैप से मेरे को कुछ वैल्यू गेट करनी है मैंने लिखा गेट और गेट मैंने लिख दिया ए क्या लिख दिया ए तो इससे क्या होगा कि मैप ऑफ स्ट्रिंग के अंदर मैं गेट कर रहा हूँ ए गेट का मतलब होता है कि आप की को गेट कर रहे हो तो मैं के को गेट करूंगा तो ए की मेरी क्या यहां पे अमेरिका है तो मेरे को क्या प्रिंट होगा अमेरिका एक बार देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं होता मैंने लिखा है मैप ऑफ स्ट्रिंग डॉट गेट ए ए के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी हो गया अमेरिका प्रिंट ठीक है स्क्रीन विजिबल मेरी जैसा बोल रहा हूँ मेरी स्क्रीन प्रॉपर चल ठीक है मेरी? Yes, अब मैंने यहाँ पे कर दिया डी क्या कर दिया डी अब यहाँ पे कोई डी आपको की वैल्यू दिख रही है no, नहीं दिख रहा अब देखते हैं क्या होता है अब मैंने वो वैल्यू को गेट करा है जो मेरी मैप में है ही नहीं नल आ गए है ना ठीक है यहाँ पे नल एक्चुअली जब हम अपेक्स कोड में यूज करते हैं कहां पे अपेक्स कोड में जब हम यूज करते हैं और वो वैल्यू गेट कर लेते हैं जो मेप में अवेलेबल नहीं है तो ये हमारे को एरर थ्रो करता है क्या करता है yes. एरर थ्रो करता है ठीक mm -hmm. है तो उस एरर को हैंडल करने के लिए हम हमेशा कंटेंट्स की चेक करते हैं पहले कि अगर वो वैल्यू कंटेन है तो ही उसको हम गेट करेंगे अदरवाइज हम उसको गेट नहीं करेंगे ठीक है तो कंटेंट्स चेक करने का क्या रीजन हो कैसे चेक करते हैं इसका होता है कीवर्ड कंटेंट्स की ठीक है कंटेंट स्कीम में मैं चेक करूंगा कि पहले डी अवेलेबल है या नहीं है ये ट्रू और फुल्स में हमको वैल्यू को रिटर्न करता है तो हम इस कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये कंटेंट करेगा तो ही हमारा ये आगे का कोड चलेगा अदरवाइज कोड चलने का कोई सेंस नहीं है ठीक है तो मैंने चेक करा मेप ऑफ स्ट्रिंग डॉट कंटेंट्स की डी की डी को ये करता है क्या ठीक है मैं इसको रन करता हूँ फॉल्स मतलब उसने क्या बोला कि वो डी को कंटेंस नहीं करता ठीक है सेम अगर मैं इसको ऐसा करता मैं चेक करता ए के लिए कि ये ए को कंटेन करता है क्या तो अब ट्रू प्रिंट होगा कि हाँ ये ए को कंटेन करता है ए को कंटेन करता है तो आप आपका आगे का लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हो विजिबल और ट्रू यस सर ठीक है ना तो जब भी हम मैप को यूज करेंगे तो मैप के लिए हम हमेशा कंटेंट्स के जरूर चेक करेंगे अदरवाइज हमारे कोड में एरर थ्रो कर देता है यहाँ पे इसने नहीं करी एनोन विंडो में लेकिन वहां पे थ्रो करता है ये ओके ठीक है अपने सेट हो गया लिस्ट हो गया मैप हो गया तीनों में कोई डाउट है तो आप बताओ अदरवाइज अपन आगे बढ़ेंगे नहीं है डाउट नहीं है डाउट चलो ठीक है कुछ बोल रहे थे आप हेलो ठीक थी, है चलो थोड़ा सा क्योरी पे फोकस कर लेते हैं एक बार है ना एसओ के क्योरी कैसे लिखी जाती है मैंने एक लिस्ट ली है लिस्ट ऑफ अकाउंट मैं इसको पास कर रहा हूं इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी सिलेक्ट आईडी अभी अपना जो टॉपिक चल, चल रहा है वो चल रहा है एसओ क्यूल क्यूरीज का ओके एसओ क्यूएल क्यूरीज सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट ठीक है मैंने एक सिंपल एसओक् क्यूरी लिखी है इसमें कि मैंने एक लिस्ट बनाया है लिस्ट के अंदर मैंने पास कर दिया सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट ठीक है सिस्टम टू डिबग तो देखते हैं दोनों चीज में प्रिंट कर लेता हूँ साइज भी प्रिंट कर लेता हूं थर्टी तो मेरा साइज है और थर्टी अकाउंट सिक्योर मेरे यहाँ पे आ गए ओके okay? अब यहाँ पे मल्टीपल एसोक्स कैसे लिखते हैं मतलब मल्टीपल कंडीशंस के साथ ठीक है मैं एक एसोक्ल क्यूरी यहाँ पे लगा रहा हूँ सिलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इक्वल टू जोडियल टेक्नोलॉजीज़ ये मैंने यहां पे क्योरी लिखी है इस क्योरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो मैं देखो एक रिकॉर्ड यहां पे मिला कितना मिला एक रिकॉर्ड ओके सेम क्योरी को मैं यहां पे इंप्लीमेंट करता हूं सिलेक्ट आई डी नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इक्वल टू जोडियल टेक्नोलॉजिस ओके अब देखते हैं साइज क्या आता है और लिस्ट में क्या आता है तो साइज मेरा वन आया अकाउंट मेरा आईडी और नेम जो एक रिकॉर्ड आ गया क्लियर है यहां तक ठीक है अच्छा अब वे... यहाँ पे जैसे मान लो कि ये तो मेरे को पता था कि मेरा नेम हार्ड कोडेड था जोडियल डीएल टेक्नोलॉजी ओके लेकिन जब हम रियल टाइम पे प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हमारे पास हार्ड कोडेड कुछ भी नहीं होता है हमारे पास सब कुछ एज ए पैरामीटर पास हो क्या था। क्या पास हो क्या था? पैरामीटर अब हमको यहाँ पे पैरामीटर को कैसे यूज करना है तो सपोज करो मेरे पास एक स्ट्रिंग है अकाउंट नेम से रिलेटेड ठीक है इससे मैंने डाल दिया जो टेक्नोलॉजी ठीक है ये अकाउंट नेम मेरे को पैरामीटर मिल रहा था तो मैं इसको यूज कैसे करूंगा तो मैं सिंपल ये तो लिखूंगा नहीं यहाँ पे कि नेम इक्वल टू अकाउंट नेम ये तो कभी भी नहीं आएगा ठीक है तो यहां पे हमेशा लगाते हैं एक डबल डोट आता है जो क्वल टू डबल डॉट अकाउंट नेम तो डबल डॉट क्या करता है ये इसको करवाता है कि नेम के आगे जिसको आप condition लगा रहे हो वो है? है क्या है 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 ठीक तो अब देखो क्या रिजल्ट आता है, है मेरा आया साइज वन और अकाउंट के अंदर उसकी वैल्यू आ गई क्लियर है yes, तो समझ में आ गया कि अगर हार्ड कोडेड स्ट्रिंग पास ना करके अगर हमें पैरामीटर पास करते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा क्लियर है सर अगर मेरा ये ऐसा होता सेट ऑफ स्ट्रिंग एक सेकंड ना थी? मेरे को मल्टीपल रिकॉर्ड सर्च करने हैं जिनके नाम, में कर हूं। जैसे ये नाम भी हो सकता है तो, तो, तो मेरे को इन लगाना पड़ेगा अगर मैं सिंपल प्रम यूज करता हूँ वेरियबल जैसे स्ट्रिंग वाला तो मैं इक्वल टू लगाऊंगा तो सेट ऑफ स्ट्रिंग में कितनी भी वैल्यू हो सकती है तो यहाँ पे क्या यूज होगा इन होगा ठीक है अब मैं देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है इसका अकाउंट डेम को मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूं विजिबल हुआ तो जोर डेल टेक्नोलॉजी तो जो से एक अकाउंट था साइज एक आ गया उसका अकाउंट नाम आ गया ठीक है एक बार मैं दूसरा देख लेता हूँ और कौन कौन सा अकाउंट मेरे पास था कि उनके मैं नाम कॉपी कर लू एक टेस्ट ट्रांसपोर्ट ओवर है मेरे पास अब मैंने स्ट्रिंग में दो वैल्यू ऐड कर रखी है जोडल टेक्नोलॉजी टेस्ट ट्रांसपोर्ट मैंने क्योरी में सेट को यूज कर रखा है तो मेरे पास दो रिकॉर्ड आने चाहिए आ गए दो रिकॉर्ड ठीक है तो यहां तक जो करा वो क्लियर है ओके ना ठीक है अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कुछ भी सेट वगैरह यूज नहीं करा है ठीक है मैं सेट यूज करता हेलो हाँ बताओ लिस्ट के तो डेटा फेज कर लिया हाँ अब विदाउट लिस्ट डेटा के फेज करना सिंगल रिकॉर्ड या मल्टीपल हो जाते हैं सिंगल रिकॉर्ड हो जाते हैं जैसे मान लो कि मैंने लिखा अकाउंट ओनली है ना अकाउंट रिकॉर्ड आपको रिटर्न टाइप तो बताना पड़ेगा ना कि आप किस टाइप का डेटा फेस कर रहे हो तो मैंने बताया कि मैंने अकाउंट टाइप का डेटा फेस करना है अकाउंट में अकाउंट रिकॉर्ड का इंस्टांस बनाया मैं क्योरी कर रहा हूँ ठीक है अगर मैं ये क्यूरी लिखूंगा तो ये मेरे को एरर देगा रीजन क्या है इसका कि सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट मल्टीपल रिकॉर्ड आपको रिटर्न करेगा और मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न करेगा तो यहाँ पे आपका इंस्टांस सिंगल रिकॉर्ड का बना हुआ है तो एरर देगा तो यहाँ पे मैं क्या करूँ या तो ये लिखू लिमिट वन कि एक ही रिकॉर्ड मेरे पास आए या फिर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन डालू जैसे मैं कंडीशन डाल देता हूँ वेयर नेम इक्वल टू जोडिल टेक्नोलॉजी ठीक है और मैं यहां पे इसको प्रिंट करवा लेता हूं ठीक है दो लाइन को मैंने सिलेक्ट करा और दो लाइन को मैं एग्जीक्यूट हाईलाइटेड कर देता हूं क्लियर हुआ हो oh, गया yeah. ठीक ना मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा रिटर्न वहां से क्या आ सकता है अगर मैंने पर्टिकुलर कंडीशन लगा दी है और अकाउंट डुप्लीकेट नहीं बन रहे हैं तो ये हमेशा सिंगल रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा सिंगल रिकॉर्ड को मैं अकाउंट रिकॉर्ड में इनिशियलाइज करवा सकता हूँ अकाउंट के अंदर सिंगल के अंदर लेकिन जहां मेरे को लगता है कि मेरे पास लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो उसको मेरे को हमेशा लिस्ट में देना पड़ेगा अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कंडीशन नहीं लेता मैंने जोडियल टेक्नोलॉजीज नहीं लिया मान लो अब ये लिस्ट लिस्ट रिटर्न करेगा करेगा लेकिन मैं इसको स्टोर का सिंगल इंस्टांस में तो ये एरर देगा ठीक है देखते हैं एक बार द दिस एरर टू एक्सेप्शन लिस्ट हैज मोर देन वन रो फॉर असाइनमेंट टू ए सब्जेक्ट मेरे पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड आ रहे हैं लेकिन उसको मैं सिंगल रिकॉर्ड में असाइन करने की कोशिश कर रहा हूं जो कि पॉसिबल नहीं है मतलब मल्टीपल अगर रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं तो लिस्ट का यूज करना पड़ेगा लिस्ट का यूज करना ही पड़ेगा आपको लिस्ट का या मैप का

क्लियर क्लियर है है ठीक है तो अभी अपन ने क्या क्या कीवर्ड देख लिए अपन ने वेयर कंडीशन देख ली अपन ने लिमिट वाली देख ली विदाउट कंडीशन अपन देख ली, तीन अपन ने देख ली ओके अब मैं ऐसा करता हूं कि एक इसमें लाइक क्यूरी होती है मैं आपको क्यूरी एडिटर पे बता देता हूँ कि क्यूरी किस तरीके से होती है आप उसको वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो ओके है ना मतलब जो क्यूरी यहाँ पे लिख रहा हूँ वो क्यों सेम आपके चली जाएगी ठीक है सिलेक्ट आई डी नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम लाइक परसेंटेज परसेंटेज बीच में लिख गए टेस्ट परसेंटेज परसेंटेज का मतलब होता है शुरू में कुछ भी हो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है लास्ट में कुछ भी हो उससे मेरे कोई मतलब नहीं है लेकिन उस रिकॉर्ड में अगर बीच में कहीं भी टेस्ट आ रहा होगा तो वो रिकॉर्ड मेरे पास फेच होकर जाएगा ठीक है अपन एक बार देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका <coughs> दिखा आपको मेरे पास टोटल सात रिकॉर्ड रिटर्न हो आए हैं जिसमें टेस्ट है ठीक है अब मैं ये मान के चलू कि मैंने मान लो स्टार्टिंग में परसेंटेज नहीं लगाया थोड़ी देख ले सपोज करो मैं ये परसेंटेज हटा देता हूँ ठीक है अब मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा सात रिकॉर्ड इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग कीवर्ड मेरा टेस्ट होना चाहिए चाहे लास्ट में कुछ भी हो इस परसेंट का मतलब ये होता है कि लास्ट में कुछ भी लेकिन मेरा स्टार्टिंग कीवर्ड क्या होना चाहिए टेस्ट होना चाहिए मैं इसको थोड़ा अपोजिट करता हूँ मैं लगाता हूँ स्टार्टिंग कीवर्ड मेरा कुछ भी हो लेकिन लास्ट में मेरा टेस्ट होना चाहिए क्या होना चाहिए टेस्ट अब देखते हैं कितने रिकॉर्ड रिटर्न होके आते हैं जीरो क्यों क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं है जिसके लास्ट में टेस्ट हो

टेस्ट ठीक है वो मेरा किसी भी रिकॉर्ड में नहीं था अब मैं ऐसा करता हूँ जैसे यहाँ पे मान लो प्रोसेस है लास्ट में तो मैं इसको प्रोसेस करता हूँ एक बार कि लास्ट में ऐसे वो अकाउंट जिनमें प्रोसेस हो एक रिकॉर्ड मेरे पास आ गया तो लाइक वाली क्यूरी भी आपकी क्लियर हो गई यस ठीक है बाकी क्यूरीज अपन जैसे जैसे आगे काम करेंगे ना जैसे मान लो अपने को नहीं उस पर करते चलेंगे, तो अभी मैंने जो आपको बताया था वो मैंने आपको बताया था सिंपल की कैसे तो आपको कलेक्शन क्या होते हैं कलेक्शन आपको बता दिया है प्लस आपको क्योरी से डेटा कैसे लेके आना है कलेक्शन के अंदर वो मैंने आपको बता दिया यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मेरे को बताओ ठीक है अपन आगे बढ़ते हैं मैं एक बार यहाँ पर थोड़ा सा वो बिलिंग सिटी मैंने कॉपी कर दिया ठीक है और नेम एन ठीक है मैंने दो अकाउंट निकाले हैं

यहां तक मेरा कोड समझ में आया मैंने क्या करा सबसे पहले सेट बनाया सेट के अंदर मैंने दो की ले ली एक जोडियल टेक्नोलॉजी एक टेस्ट ट्रांसपोर्ट मैंने इस सेट को यूज करके लिस्ट के अंदर मैंने अकाउंट्स ले लिए देन उस लिस्ट को मैंने इटरेट करा है उस लिस्ट में जितने भी अकाउंट होंगे उन सबकी बिलिंग सिटी मैंने क्या सेट कर दी जयपुर ठीक है अपडेट लिस्ट ऑफ अकाउंट ओके अब मैं इस कोड को रन कर रहा हूं मेरा कोड सक्सेसफुली रन हो गया ओके okay. अब मैं क्वेरी मार के वापस चेक करता हूँ कि मेरा क्वेरी में डेटा क्या था पहले मेरा बिलिंग सिटी ब्लैंक था मैंने आपको बताया था क्वेरी एग्जीक्यूट करके अब मेरा बिलिंग सिटी क्या आता है वो देख लो आप आ गया जयपुर यस yes. ठीक तो आपको आइडिया लगा कि लिस्ट को कैसे इटरेट करते हैं यस सर है सेट लिख गए अपन तीनों हां

पर्टिकुलर रो को मैं एग्जीक्यूट हाईलाइट करता हूँ मेरा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया मतलब मेरा लॉग ओपन हो गया था मेरा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है ठीक है इसको मैं वापस हटाता हूँ देन मैं क्यूरी मारता हूँ वापस दोबारा थर्टी रिकॉर्ड पता थर्टी के थर्टी रिकॉर्ड पर मैंने क्यूरी मार दिया आ गया सब पे जयपुर ठीक है पर्टिकुलर पे करना है अपडेट तो मतलब मतलब ये सेट ही एक तरीका है, है और कंडीशंस हाँ, मतलब आपको लगानी पड़ेगी इसलिए आपको कलेक्शन मैंने आज पहले बताया कि पहले आपको कलेक्शन बताएंगे कि कलेक्शन अपन क्या काम आते हैं तो कलेक्शंस में आप इस तरह के डेटा को स्टोर करते हो जो आप कंडीशंस में यूज कर सकते हो और जिनको आपको अपडेट और डिलीट करना है बाकी आपको आगे और बताएंगे जब आपको और क्लियर हो जाएगा ठीक है

तो असाइनमेंट कल फिर मैं ट्रिगर करने के बाद देता हूं आपको, ओके? Okay? और यहां तक आपने पूरा ऑन करना कुछ इश्यू आया तो आपने मेरे को बताना, ओके? ओके सिर्फ। थैंक्स एवरीवन।